आज की ये वीडियो मैथ से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, एक विद्यालय में छात्र एवं छात्राओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। सब छात्राओं के विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है? तो चलिए इसको हल करते हैं भाई। हल करने से पहले अगर चैनल पर नया आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना छात्र की संख्या 4x तथा छात्राओं की संख्या 5x है। क्लियर, इतना हमने मान लिया। अब प्रश्न कह रहा है सब छात्राओं के विद्यालय छोड़ देने पर यह अनुपात 6:7 हो जाता है। प्रश्नानुसार छात्र तो वही रहते हैं ना, 4x ही, और छात्राओं की संख्या क्या है, 5x है। इसमें से सब छात्राएं क्या हो जाती हैं, विद्यालय छोड़ देती हैं, तो अनुपात क्या हो जाता है, 6/7। त्रिक गुणा हो जाएगा, 7 * 28x = 36x - 600। ये इधर आएगा प्लस में और ये जाएगा उधर माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 600। तो x का मान क्या हो जाएगा, 600/2। x बराबर हो जाएगा 300। x का मान आ गया हमारे पास 300, है ना। तो यहां पर हमसे पूछा है छात्रों की संख्या, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, 4 × x का मान क्या है, 300। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 1200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती है। नोटिफिकेशन पाने के लिए जरूर ऑन करिएगा।